रेलवे ने तोड़ दिया वादा, लॉकडाउन में कैंसिल हुए टिकटों पर नहीं दिया पूरा रिफंड। 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, तो रेलवे ने भी इस अवधि में ट्रेनों के संचालन को बंद रखने की घोषणा कर दी। लेकिन इस दौरान यात्रा के लिए करीब 39 लाख टिकट बुक कराए गए थे। IRCTC की ओर से बकायदा बयान जारी हुआ, कहा गया कि 3 मई तक के लिए कैंसिल हुई ट्रेनों के टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और उनका पूरा रिफंड टिकट बुक कराने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रहा IRCTC का ट्विटर पर पोस्ट किया गया वो बयान। इसमें साफ बताया गया था कि यात्रियों को फुल रिफंड मिलेगा और किसी तरह का कैंसिलेशन या क्लर्केज चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। इसमें ये जानकारी भी दी गई थी कि अभी टिकटों की एडवांस बुकिंग बंद रहेगी। इसके बाद लोगों के मोबाइल पर भी इस तरह के मैसेज आने शुरू हुए, जिसमें 3-4 दिन में पैसा रिफंड होने की बात कही गई थी। लेकिन जब बैंक में पैसा जमा होने का मैसेज आया तो उसमें पूरा पैसा नहीं था। IRCTC ने इसमें से अपनी कन्वीनियंस फीस काट ली थी। दरअसल IRCTC ने जिन टिकटों को कैंसिल किया है उसमें से नॉन AC क्लास के लिए 15 रूपए, AC और फर्स्ट क्लास टिकटों पर कन्वीनियंस चार्ज के रूप में 30 रूपए की कटौती की गई है। इसके अलावा हर कैंसिल टिकट पर उसने पेमेंट गेटवे चार्ज भी वसूल किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने ट्विटर पर IRCTC को टैग करते हुए अपना पूरा पैसा रिफंड करने की मांग की। रेलवे से भी इसमें हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई। लोगों का कहना था कि जब रेलवे ने खुद ट्रेनें कैंसिल की हैं, तो कन्वीनियंस चार्ज की वसूली कैसे की जा सकती है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर IRCTC के एक अधिकारी ने बताया, जब कोई ट्रेन कैंसिल होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाता है और कन्वीनियंस फी के नाम पर बेहद मामूली रकम काटी जाती है। इस रकम का इस्तेमाल वेबसाइट के मेंटेनेंस में होता है, जिस पर रोजाना 32 लाख रुपए और सालाना 125 करोड़ रुपए का खर्च आता है। IRCTC के एक प्रवक्ता ने इस शुल्क को जायज ठहराते हुए कहा, IRCTC लोगों को कहीं से भी टिकट बुक कराने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए IRCTC बेहद मामूली रकम चार्ज करती है, जो नॉन AC टिकट के लिए 15 रूपए, AC और फर्स्ट क्लास टिकट के लिए 30 रूपए है। एक सिंगल टिकट पर 6 यात्री तक यात्रा कर सकते हैं और शुल्क का निर्धारण टिकट से होता है, न कि पैसेंजर्स की संख्या से। लेकिन IRCTC की ये सफाई लोगों को संतुष्ट न कर पाई। लोगों ने तो रेलवे पर घोटाले तक का आरोप लगा दिया। शहनाज ईरानी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अगर रेलवे ने प्रति टिकट 18 रुपए तक की भी कटौती की है तो उसने कुल 39 लाख टिकटें कैंसिल की। इस तरह उसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की। क्या ये घोटाला नहीं है? इस ट्वीट को हजारों लोगों ने रिट्वीट कर रेलवे के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। NBC ऑनलाइन की रिपोर्ट।